नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। इस वक्त वार्ड नंबर 33 के नीलकंठ नगर कॉलोनी में हैं हम, और यहां के जो लोग हैं ये आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि इनका शिकायत है कि यहां के जो वार्ड पार्षद हैं वो इनसे जीतने के बाद कभी मिलने नहीं आए हैं। इससे पहले कृष्णा नगर कॉलोनी से हम आपको दिखाए थे, वहां भी यही शिकायतें मिल रही थी, और बहरहाल यहां पे भी सभी लोग हैं। और इनकी समस्या क्या है ये आप खुद ही इनकी जुबानी सुन लिए। मैम, क्या दिक्कत क्या आ रही है? इधर बारिश के मौसम में तो आवाजमान क्लियर आए दिन विवाद होते रहता है। बस यही रोड नाली यही सब मेन प्रॉब्लम है इस मोहल्ले का। वार्ड पार्षद से आप शिकायत क्यों नहीं मिलते क्यों नहीं? वार्ड पार्षद कभी मिलने का कोशिश ही नहीं किया। हम लोग गए हैं, कब कई बार गए हैं, लेकिन आज वो यहाँ बिजी हैं, आज वहाँ बिजी हैं, बस हम लोग घूम के चले आते हैं। का विकास नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, कोई चीज का विकास नहीं लोग कर सकेंगे। उन पे देखना है ना, एक भी लाइट नहीं दिए हैं, सब जगह तो दो रंग का काम हो रहा है। पोल तो आना मुश्किल है, हम लोग अपना चंदा करके पोल लाए हैं। और कॉलोनी में ये सफाई व्यवस्था वगैरह? सफाई सब नहीं होता है, हम लोग खुद अपने से करते हैं। महीना दो महीना आता है, कुछ नहीं होता। कभी नहीं आता है नाली उली साफ करने के लिए। अब इधर से जब रोड बन गया है ना, तब से आने लगा है रोड। जब भी महीना महीना डेढ़ महीना यही सब में आता है आया, बस सिर्फ अपना हम लोग यदि बोलेंगे भैया यहाँ साफ कर दीजिए तो बोलेंगे, तब ना वहाँ से ऑर्डर नहीं है, हमको उस नाली का ऑर्डर नहीं है। कुछ और लोग हैं सर, क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो कई तरह की है यहाँ। एक्चुअल में देखा जाए तो मेन मुद्दा हमारा सफाई को लेकर के है। सफाई है, नाला है। एक्चुअली क्या है ना कि नीलकंठ नगर का इतिहास जो है वो 15 साल से रहा है। इधर 10 साल से हम लोग डेवलप की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये हमारा कोरोना 2.5 महीने हुआ है, कोरोना को लेकर के 2.5 महीना पहले ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है सर कि हम लोग पिछले 12 साल से अछूता रहे हैं डेवलपमेंट के नाम से। ठीक है, ना डस्टबिन, ना कीटाणु के लिए छिड़काव, किसी भी तरह की व्यवस्था। हमारे इस 33 नंबर का ईस्टर्न जोन है, इसको ईस्टर्न जोन ही मानिए, 33 नंबर वार्ड का ये ईस्टर्न जोन में ना तो आज तक कभी सही ढंग से छिड़काव हुआ है, ना तो सही ढंग से क्या कहते हैं उसको सफाई हुई है। हर तरह से हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप मिलते क्यों नहीं है वो अपने वार्ड पार्षद से या फिर नगर निगम से? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना जायज़ है। हमारे कई लोग कई बार आपके वार्ड पार्षद के पास, नगर निगम के पास आवेदन दे चुके हैं इस विषय को लेकर के, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ नगर आयुक्त से, क्या हमारे यहाँ से आपको रेवेन्यू नहीं जाती है? क्या जाती होगी? बिल्कुल जाती होगी। कोई ऐसा घर नहीं है जिसका कि रसीद अपडेट नहीं है। 2020 तक ये कोरोना को लेने के बावजूद भी सभी ने अपना अपना रसीद कटाया है। ठीक है, फिर भी हम उपेक्षित हैं। और इस मुद्दे को लेकर के जब ये रोड, जब हम लोग यहाँ कच्ची सड़क पे चल रहे थे तो हमारे जो सांसद हैं माननीय श्री विधायक जी अजीत शर्मा जी, इनके पास हम लोग गए थे इस विषय को लेकर के, तो उन्होंने हमारी याचना को सुना। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि ठीक है आपकी जो सड़क है जहाँ से जहाँ तक है वो मेजरमेंट आप हमें दे दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं इलेक्शन से पहले तक कार्रवाई हो जाए। सर अभी वर्तमान में क्या समस्या आ रही है, मुख्य समस्या अभी वर्तमान में? वर्तमान में हमारी है नाला को लेकर के सर, और कुछ जो अछूता सड़क है उसको लेकर के। ठीक है, कुछ नालियाँ हैं, कुछ छोटे छोटे गली हैं। ठीक है, और ये पोल का विषय जो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार का जो प्रोग्रामिंग व्यवस्था है वो कितनी चरमराई हुई है। आप देखिए अभी जो आ रही है बिजली की व्यवस्था, वो आ रही है कि कवर्ड वायर चल रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ आए वो, उन्होंने एक पोल लगाया कि ये टाटा का पोल है, लंबी चौड़ी पोल है, वो लगेगा कवर वायर। अब कहा जा रहा है कि नहीं इसको हटा करके गोल वाला पोल लगाया जाएगा। कहने का मतलब है सारी व्यवस्थाएं रहते हुए भी हमारी सरकार की जो प्रोग्रामिंग व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, जिसके वजह से हम लोग तो उपेक्षित हैं ही। प्राय हमारे भागलपुर शहर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जो कि अछूता है। तो हमारी जो समस्या, अभी मेन मुद्दा जो है हमारी समस्या, वो हमारी है नाली। ठीक है, जो छूटा हुआ हमारा क्या कहते हैं गली है, हाँ, और कुछ सड़कें भी छूटी हुई है ना, और ये बिजली के वायर को लेकर के। ठीक है सर, क्या मुख्य समस्या क्या है कॉलोनी में?
मुख्य समस्या है आने जाने की साधन, हम लोग को कभी नहीं मिला। हम लोग को बहुत दूर होते हुए 0 माइल होते हुए घूर करके तिलका मांझी जाना पड़ता है। हम लोग का निकासी रास्ता इधर होते हुए भी ये लोग कभी बनने नहीं देता है। अगर पुल ढालते हैं तो उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उस पर जो है अगर बोलने जाते हैं तो बोलता है कि आप लोग का इधर कुछ नहीं है, आप लोग अपना रास्ता 0 माइल होते हुए निकलिए। कौन बोलता है? 33 नंबर वार्ड के लोग, पुराने वार्ड के जो 33 नंबर के लोग हैं वही बोलते हैं, और कौन बोले। इस समस्या को लेकर आप वार्ड पार्षद के पास जाते हैं तो वो कुछ नहीं सुनते हैं, हमारी एक बात नहीं सुनने वाले हैं। वो कहते हैं कि आपके इधर तो फैसिलिटी जाती है, आप लोग ले ही नहीं पाते हैं। वो झूठ का मंसूबा है उन लोगों का। सर क्या समस्या क्या है कॉलोनी में? समस्या तो यहाँ अभी बहुत रहा है, इसमें कुछ खास है जो कि हम लोग को रोड नली पानी ये सब सीखा। सर समस्या क्या है? समस्या तो बहुत है सर इधर। एक तो रास्ता का निकास नहीं है हम लोगों को, प्लस में क्या है जब वर्षा का दिन होगा ना, जिस दिन तेज़ बारिश हो गया, आप यहाँ आइएगा यहाँ खड़ा नहीं रह पाइएगा, इतना पानी भर जाएगा। यहाँ निकासी नहीं है नाली का, पानी कहाँ निकलेगा। तो अपने वार्ड पार्षद से क्यों नहीं मिल? सबसे मिला गया है सर, कोई मुझे उसका जो है ना निराकरण नहीं हो पाया है। क्या सर क्या बात जी? यहाँ की मुख्य समस्या नाली है, रोड है, उसके बाद यहाँ कोई बच्चे को पढ़ने लिखने की कोई सुविधा नहीं है, प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे बगीचा होके जाते हैं पढ़ने के लिए, हमेशा डर बना रहता है। नाली की तो मुख्य समस्या है, आए दिन रोज कचकच होता था। न एक भी डस्टबिन तक नहीं यहाँ रखा गया है नगर निगम के तरफ से। वार्ड पार्षद से मिलिए जी। वार्ड पार्षद जो कि दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, हम लोगों का वार्ड नंबर 33 जो है वो दो धर्म में बट चुका है, वो दूसरे धर्म से, इसलिए वो कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। कहने से कोई फायदा ही नहीं होता। वार्ड की समस्या को लेकर क्यों नहीं वार्ड पार्षद से क्यों नहीं मिल लेते हैं? हम लोग जाके मिले हैं सर, उनका निदान वो नहीं करते हैं। उनका कहना है जाति दो जाति में बटा है ना, इधर हिंदू है उधर मुस्लिम है, तो काम इसलिए नहीं हो रहा है। क्यों नहीं वार्ड पार्षद से आपकी जो वार्ड की समस्या है तो इसको लेकर वार्ड पार्षद से क्यों नहीं मिल लेते? बहुत बार मिले हैं सर, एक बार भी सुनाई नहीं दिया। हम लोग को अभी तक 12 साल हो गया, राशन कार्ड भी नहीं बना है, रोड नाला भी नहीं नाला भी नहीं बना है, न बिजली अपने चंदा करके हम लोग बैठाए हैं। उसके बाद दूसरे न ये पुल बनाए, हम लोग चंदा करके वो भी तोड़ दिया। जो भी समस्या है कॉलोनी में इसको लेकर वार्ड पार्षद से आपको मिलना चाहिए। सर यहाँ पर मतलब बहुत दिन से सप्लाई वाटर का भी प्रॉब्लम है, जो कि पानी यहाँ पर सही रूप से नहीं आ पा रहा है, जो कि बहुत दिन से वाटर सप्लाई जो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। बिजली का भी प्रॉब्लम है, जो कि वोल्टेज हमेशा डाउन होते रहता है, कि अभी भी वोल्टेज उतना नहीं है, हम लोग को मोटर चलाने के लिए सोचना पड़ता है सर, यही। और रोड और नाली का प्रॉब्लम है मुख्य। तो वार्ड पार्षद से मिलने के बाद क्या आपको क्या रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है यहीं से, यहाँ पर का उतना कोई मतलब रिस्पॉन्स उतना नहीं। क्यों नहीं लिया जाता इस मोहल्ले का? बस लगता है चुनाव प्रक्रिया में कुछ हुआ है, यही सब चक्कर है। तो आते नहीं है वार्ड? नहीं, कभी नहीं आते हैं। तो फिर नगर निगम के द्वारा जो सफाई को लेकर यहाँ पर भेजा जाता है कर्मी, क्या वो सफाई कर्मी वगैरह आते हैं? हाँ वो आते हैं, बोले तो महीना 15 दिन में कभी कभी आते हैं। उसमें भी जहाँ पे थोड़ा है पढ़े लिखे आदमी है या मतलब जहाँ पे रईस आदमी है वहीं पे वहीं के घर के आगे सफाई होता है, बाकी इधर नहीं होता है। तो वार्ड 33 का ये कृष्णापुरी नीलकंठ नगर कॉलोनी से हम आपके से लाइव हुए थे, और आपको बता दें कि कुछ लोगों की जो समस्या है और ख़ासकर इनका जो है ये लोगों की शिकायत है कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो इनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, और कई दफ़ा जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो इनको जो है वहाँ से नकार दिया जाता है, जिस वजह से वार्ड में काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं, सफाई को लेकर, नाले को लेकर, बिजली को लेकर। बहरहाल आप हमें सिल्क टीवी पर देख रहे हैं, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं।